सबसे पहले फटाफट अंदाज में नजर डाल लेते हैं 20 बड़ी खबरों पर। यूपी की 13 सीटों पर 1 जून को मतदान। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की सभी 13 सीटों पर बढ़त बनाने के लिए पक्ष और विपक्ष ने पूरी ताकत झोंक दी है। मिर्जापुर और घोसी में पीएम मोदी ने की चुनावी जनसभा। कहा, सपा कांग्रेस का गठबंधन आपस में सभी लोगों को लड़ा रहा है। एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण को इंडी गठबंधन खत्म कर देगा। ओडिशा दौरे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे और राहुल गांधी। ओडिशा में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनता से वोट की करेंगे अपील। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उत्तर प्रदेश के चुनावी दौरे पर रहेंगे। श्री शाह कुशीनगर, बलिया और वाराणसी में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वाराणसी लोकसभा में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मुस्लिम मतदाताओं से मुलाकात के साथ ही बुनकर कारीगर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बलिया लोकसभा क्षेत्र के मोहम्मदाबाद में जनसभा करेंगे। भाजपा प्रत्याशी नीरज शेखर के समर्थन में करेंगे वोट करने की अपील। सीएम योगी ने गाजीपुर में की जनसभा। बीजेपी प्रत्याशी पारस नाथ राय के समर्थन में जनता से वोट की अपील की। कहा, आपकी बार 400 पार में गाजीपुर भी शामिल होगा। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज चंदौली में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव सपा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह के पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील करेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बलिया और सलेमपुर में की जनसभा। कहा, हम अच्छे दिन लाएंगे, वो ला नहीं पाए, लेकिन 4 जून से खुशियों के दिन आएंगे। सोनभद्र में अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने दावा किया है कि 7वें चरण के बाद इंडी गठबंधन चारों खाने चित हो जाएगी, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। वाराणसी में आयोजित कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विकसित भारत की बात करते हुए कहा कि अगर देश आगे बढ़ रहा है तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अध्यापकों की बढ़ जाती है। चुनाव आयोग ने 6ठे चरण के मतदान के फाइनल आंकड़े जारी कर दिए हैं। शनिवार को हुए इस चरण के मतदान में कुल 54.04% मतदान हुआ। जिला निर्वाचन अधिकारी निखिल टी फुंडे ने बताया कि चंदौली की चकिया विधानसभा में पहली बार शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। इससे पूर्व यहां शाम 4 बजे तक ही मतदान होता था। वाराणसी में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया चुनाव प्रचार, साथ ही जनसंपर्क का भी कार्य किया। उसके बाद शाम को बाबा विश्वनाथ के लिए किए दर्शन और पूजन। सैंड आर्ट के जरिए चंदौली के बलुआ में मतदाताओं को मतदान के लिए किया गया जागरूक। जागरूकता अभियान में उपस्थित लोगों को मतदान की शपथ दिलाई गई। लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने मैजिक में टक्कर मार दी। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। चक्रवाती तूफान रेवल के कारण अलर्ट पर पश्चिम बंगाल। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, कई जगहों पर पेड़ गिरे। एनडीआरएफ और सेना की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी। पीएम मोदी ने आपदा प्रबंधन समेत बाकी पहलुओं का लिया जायजा। गृहमंत्री अमित शाह ने कम से कम नुकसान के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी। पारा पहुंचा 47.3 डिग्री। 47.3 डिग्री के साथ मथुरा वृंदावन पहले और आगरा 46.8 डिग्री के साथ दूसरे स्थान पर और कानपुर तीसरे स्थान पर रहा। आईपीएल 2024 का फाइनल मैच चेन्नई में केकेआर और हैदराबाद के बीच खेला गया। इस मैच को लेकर केकेआर ने पूरी तरह से एक तरफा बना दिया और 10 साल के बाद फिर से चैंपियन बनने का गौरव हासिल कर लिया।